हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये प्यारी सी फेस्टिवल ड्रेस बनाएंगे। आप जैसे देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, और ये मैंने पटका बनाया है मैचिंग का, ठीक है। और ये चोली है उनकी, ठीक है। और ये मैंने हाथ से बनाया है, और इसमें सुई मशीन का यूज़ नहीं किया है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जैसे न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। लड्डू गोपाल का हम कपड़ा बना रहे हैं, तो ये 5 इंच के लड्डू गोपाल जी का है, ठीक है। तो मैंने 9 इंच इसका डायमीटर रखा है, और इसको मैंने पेपर पेस्ट कर लिया है, और मैंने किनारी सिल ली है, ठीक है। किनारी ऐसे सिल ली है, और सर्कल में बीच में भी सिल लिया है, ये देखिए। और ये हमने हल्का सा कट दिया है, ये 1.5 इंच का कट होगा, ठीक है, क्योंकि हम चोली अलग से बनाएंगे, तो हम इसको ऐसे कट किया है मैंने। अब ये ऐसे मैंने 2 बार फोल्ड करूँगी, और ये फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे खोलेंगे, तो ये देखिए मेरा ये शेप आ जाएगा, 4 पार्ट मेरे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम एक कपड़ा लेंगे, तो मैंने ये सनिल का कपड़ा लिया है, ठीक है। मैं पिंक ले रही हूँ, तो ये थोड़ा डार्क पिंक पे है, ठीक है। अब इसका हम इसको शेप में हमें इसका कट करना है, तो हम इसे ट्रेस करेंगे कितना मेरा ये गोलाई है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आसान विधि से बताने के लिए मैं ऐसे ट्रेस कर रही हूँ। तो सर्कल, जो बीच का सर्कल, वहाँ से निशान लगाएंगे, और फिर नीचे का निशान लगाएंगे जो गोलाई है, और फिर हम उतना कट कर लेंगे, तो हमें एक पार्ट मिल जाएगा। अभी देखिए मैंने शेप जो मैंने ड्रॉ की थी उसको हम क्लियर करेंगे कि मेरी क्या शेप है, ठीक है। और ये शेप को हमें अब कट करना है, तो हम ऐसे करके ये ट्रायंगल कट कर लेंगे, ये गोलाई में जैसे ये आएगा, और इसको हमें कट कर लेना है। 2 पीस में हमें कट करना है, क्योंकि हम दो साइड। अभी देखिए हमने जो ड्रॉ किया था उसको हम ऐसे करके कट कर लेंगे, ठीक है। और ये हमें 2 पीस में हम इसको कट कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने कट कर लिया है, अब इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो आज आपको हाथ से हैवी ड्रेस बनाना बताऊँगी कि आप हाथ से कैसे भगवान जी की फेस्टिवल ड्रेस बना सकते हो। तो हम इसको अब इसमें ट्रेस करेंगे, और यहाँ हम पक्की सिलाई करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको ऐसे रख लेंगे कितना मेरा शेप में आ रहा है। तो जहाँ कट है, कट से हम लगाएंगे, देखिए ये कट है, कट में रखेंगे तो मेरा एक पार्ट पिंक हो जाएगा और एक पार्ट डार्क पिंक हो जाएगा। तो हम ऐसे करके यहाँ पे अब सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। अब देखिए जहाँ कट है वहीं पे हम सुई धागा, देखिए मैंने लिया है, और इसको यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे करके हमें ये पक्का सिलाई करनी है, तो ये बहुत आसान से लग जाता है। अभी देखिए हम इसको पूरा, हमें जितना मेरा ये है उसको हमें ऐसे करके लगाना है, ठीक है। और हम फोल्ड, हल्का सा फोल्ड करते जाएंगे, और इसको हमें सिलाई करते जाना है, ठीक है। तो हम ये पूरा यहाँ पे जितना मेरा ये पिंक, डार्क पिंक है, हम इसको ऐसे करके सिलाई कर लेते हैं, और दोनों पार्ट हम ऐसे सिल लेंगे, ठीक है। अभी देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, ये देखिए ऐसे करके हमने ये सिलाई की है, उसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पिंक पार्ट है उसमें हमें नेट लगाना है, तो हम अब पिंक नेट लेंगे, और पिंक नेट हमने जितना मेरा गोलाई की चौड़ाई है उतना हमें ले करके फिर यहाँ प्लीट्स डालनी है, ठीक है। अब ये देखिए हम ऐसे करके यहाँ प्लीट्स लगा लेंगे, तो हमें ऐसे प्लीट्स बना के यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हम सिल करके इसको यहाँ पे प्लीट्स बना लेते हैं। अब ये देखिए प्लीट्स दोनों तरफ हमने लगा ली है, और सिलाई भी कर दी है, तो ये देखिए परफेक्ट आई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब कमर की पट्टी बनाने के लिए देखिए हम ऐसे करके यहाँ पे पहले सिलाई कर लेंगे गोलाई में, ठीक है। तो हमें ये गोलाई में सिलाई करना है। अब ये देखिए हम ऐसे करके यहाँ पे सिलाई करेंगे, तो ये देखिए हमें यहाँ पे ये सिलाई करनी है। तो कमर पे हमें कमर पट्टी हम बनाएंगे, जैसे हम डोरी बांध सकें, तो ये हम पहले इसको चारों तरफ से हम सिल लेंगे, ऊपर से हमें पहले सिलना है, ठीक है। फिर हमें फोल्ड करना है, तो ये हम मेरा उल्टा हमने कपड़ा लिया है सनील का,
और फिर इसको हमें फोल्ड करना है। तो पहले हम ऐसे करके ये गोलाई से पूरा ऐसे सिल लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने सिल लिया है, और सिलने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हम पहले ऐसे डोरी डाल लेंगे, और डोरी डालने के बाद अब हमें इसको ऐसे करके फोल्ड करना है, और फोल्ड करके अब नीचे साइड हमें सिलना है, ठीक है। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी सिल सकते हो। मैं हाथ से इसलिए बता रही हूँ कि आप आसानी से कैसे भगवान जी के कपड़े बना सको, हैवी ड्रेस। अभी देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब ये देखिए मैं फ्लावर बनाऊँगी, तो फ्लावर के लिए मैंने ये देखिए हाफ इंच मैंने रिबन लिया है, और रिबन की देखिए हम पहले नाप लेंगे। तो ये मैंने हम सेंटीमीटर से नापेंगे। तो देखिए हम ये 14 हम इसकी लंबाई ले रहे हैं, और इसको हम पहले कट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। अभी देखिए मैंने ये कट कर लिया है। अब हम ऐसे करके इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अब हम ऐसे करके यूँ हमें गोलाई में फोल्ड करना है। और ऐसे हम गोलाई में फोल्ड करते जाएंगे, और जितना हमने ये रिबन लिया है ये पूरा हमें फोल्ड करना है, गोलाई में ही फोल्ड करना है, ठीक है। तो हम इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं। तो हल्का सा हमें ऐसे घुमाव भी देना है, और फिर फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे करके हम घुमाव देते जाएंगे हल्का सा, और इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये आएगा, ठीक है। अब हमें इसमें ये पूरा मेरा देखिए पूरा आ गया इसमें, और ऐसे हम फोल्ड करेंगे फिर से ऐसे एक बार घुमावदार ऐसे करने के बाद। अब इसको हमें यहाँ पे टाँकना है, तो हम एक टाँक करके हम इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले सुई लेंगे, सुई की हेल्प से इसको हम टाँक करके देखिए ऐसे करके हम इसको पक्का कर लेंगे, और फिर हमें इसको कट कर देना है धागे को, सुई धागे को। तो ये देखिए हम ऐसे करके निकालने के बाद अब इसको हम अलग कर लेंगे। अब देखिए हम फिर से रिबन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देखिए हमने ये 6 सेंटीमीटर लिया है। अब ये देखिए हम ऐसे करके टेढ़ा में कट करना है, ठीक है। हम हल्का सा टेढ़ा कट करेंगे। तो देखिए फिर से हम इसको लेंगे, तो हमें एक फ्लावर में 3 हम इसमें पैटर्न लगाएंगे, ठीक है। तो हम ये देखिए ऐसे डायगनल हमें कट करना है अपने रिबन को दोनों साइड से, ठीक है। और अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए हमें रिबन में जो कम साइज है जिधर उधर हमें ऐसे करके सिलाई करनी है, तो हमें कच्चा करना है और फिर हमें खींच देना है। तो हम ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके हमें इसको सिलना है, और सिल करके फिर हम ऐसे करके जो मेरा थ्रेड है उसको हम खींच देंगे। तो ये देखिए ऐसे करके थोड़ी प्लीट्स बन जाएगी, और अब इसको हम नॉट लगा के और हम कट कर लेंगे धागे को, और ऐसे ही हमें पेटल पूरे तैयार कर लेने। अब देखिए हम लीव्स बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ग्रीन ये लिया है, रिबन लिया है, और ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद देखिए, अब देखिए हम फोल्ड करके फिर हम ऐसे करके यूँ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके अब हमें इसको कट करना है। तो हम कैंची की सहायता से आगे की तरह हम पहले तिकोना करेंगे जैसे लीव्स होती है, और फिर हम ऐसे करके गोलाई देते हुए हमें इसको ऐसे शेप में देना है, लीव्स की शेप में, और फिर हमें इसे कट कर लेना है। अब देखिए मैंने कैंडल लिया है, और इसको हमें गोलाई से पूरा शेप में देना है जैसे मेरे थ्रेड ना निकले और बिल्कुल लीव्स की तरह ये कंप्लीट हो। तो हम ऐसे हल्का सा इसको शेप देंगे, ठीक है, और ऐसे करके हमें सब लीव्स तैयार करनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये आएगी, और ऐसे करके हम ये पूरा गोलाई दे देंगे, और बिल्कुल प्योर लीव्स लगती है। तो हमें ये हल्के हल्के हाथ से इसको देखिए ऐसे गोलाई देनी है, और ध्यान देना है कि हाथ भी ना जले, और थोड़ा दूर करके करना है।
तो ये देखिए ऐसे करके ये कंप्लीट होगा। अब देखिए ये लीव्स से ऐसे ये सीधी है और ये उल्टी है, तो हमें ये सीधी की तरफ ऐसे फोल्ड करनी है राइट की तरफ, और इसको हम ऐसे दबा करके अब हल्का सा हम इसको कैंडल के सामने लाके इसको ऐसे दबाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से ये लीव्स तैयार हो जाएगी। ये देखिए ऐसे ये आई है, और फिर से एक देखिए हम इसको ऐसे राइट साइड फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद हल्का सा हमें इसको करना है और दबा देना है। ये देखिए इस तरह से आई है, और ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे लीव्स अपनी सब। अब देखिए हमने जो गोल करके हमने ये इसको राउंड में घुमा कर बनाया था, उसमें हम ग्लू गन लगा के और जो मैंने ये पेटल तैयार किए थे इसको ऐसे शेप में दे करके, और अब देखिए हमें इसको ऐसे करके फोल्ड करना है, और यहाँ पे हम ग्लू गन लगाते जाएंगे और इसको पहले एक साइड से घुमाएंगे और फिर उसी के ऊपर दूसरा जो उसका छोर है पेटल का उसको रखेंगे। तो ध्यान से करिएगा, ठीक है, जैसे आप चलो भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हॉट होता है ये ग्लू गन, ठीक है। अब जहाँ मैंने फोल्ड किया था वहाँ हम फिर से दूसरी पेटल लेंगे और फिर उसको वहीं पे रखेंगे जहाँ हमने ज्वाइन किया है दोनों पार्ट, ठीक है, और फिर ऐसे करके हम इधर लाएंगे और फिर इधर हमें इसको ज्वाइन करना है। तो हम दोनों छोर को जैसे मैंने पहला किया था सेम वैसे ही प्रोसेस है, हम इसको फिर से ज्वाइन कर लेंगे। अब ये देखिए हम इसको जैसे मैंने पहला ज्वाइन किया था सेम वैसे ही प्रोसेस से हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब फिर हम इसको देखिए फिर हम तीसरा पैटर्न लगाएंगे, तो हम यहीं पे जहाँ मैंने ज्वाइन किया है वहीं हमें तीसरा भी पैटर्न लगाना है, थर्ड हम पैटर्न लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे देखिए हम लेंगे और फिर से हम इसमें पैटर्न लगा देंगे। तो ये देखिए ऐसे करके लगा लेंगे और इसको वैसे ही चिपका लेंगे, तो मेरा फ्लावर का शेप बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अभी देखिए मैं ये फ्लावर लूँगी और इसको हमें तीनों को अटैच करना है, तो हमने ये एक लीव्स लेंगे और ये पुंकेसर मैंने बनाया है, घर पे बनाया है और बहुत आसानी से बन जाता है, मार्केट में तो बहुत महंगा मिलता है। तो ये देखिए बहुत सुंदर सा बन के तैयार हुआ है, और इसको हमें ऐसे करके लीव्स के ऊपर रखेंगे और यहाँ पहले ग्लू लगा लेंगे और फिर हम ऐसे करके इसको हमें ऐसे रखना है और फिर फ्लावर रखना है, ठीक है। और फ्लावर रख के अब हम देखिए इसको लीव्स में ऐसे फ्लावर पहले चिपकाएंगे, तो ये देखिए हम पहले एक फ्लावर चिपका देंगे, तो ये देखिए इस तरह से आएगी। फिर हम साइड में हमें लगाना है, ये देखिए हम साइड में दूसरे को अटैच करेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब हमें दोनों जो फ्लावर हैं उसके हमें साइड में दोनों पार्ट को ले करके हमें तीसरा अटैच करना है, ठीक है। तो देखिए हम तीसरे भी फ्लावर को ऐसे करके अटैच कर देंगे, तो ये देखिए मेरा ऐसे करके ये फ्लावर बन गया है। और ऐसे ही फिर हम इसमें लीव्स लगाएंगे, तो हमें टू लीव्स और लगानी है, तो दोनों फ्लावर के नीचे हम लीव्स लगाएंगे, तो हमें बस अब हम ये देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे, तो पहले हम इसमें ग्लू लगा लेंगे और फिर इसको इसमें अटैच कर देंगे। तो तीन हम लीव्स लगा रहे हैं, थ्री लीव्स। तो देखिए हम ऐसे करके ये मेरा हर फ्लावर के नीचे हम ऐसे लीव्स लगा लेंगे, तो ये ऐसे गुच्छा तैयार हो जाएगा, और ऐसे ही हम सब कंप्लीट कर लेंगे और सब में अपने घेर में हमें लगाना है। अभी देखिए मैंने घेर पे पूरा फ्लावर लगा दिया है और इसको डेकोरेट कर लिया है, देखिए कितना प्यारा घेर तैयार हुआ है। अब हम ब्लाउज बनाएंगे, तो ब्लाउज बनाने के लिए देखिए हमने ये इसकी लंबाई मैंने कपड़े की 6 इंच मेरे भगवान जी की चोली आती है, तो हम देखिए 6.5 इंच लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा, और 2.5 इंच मेरी चौड़ाई रहेगी। अब देखिए हम सनिल वाला कपड़ा लेंगे, उसको इसके ऊपर हमें रखना है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले नाप लेंगे,
तो मेरा बीच में आएगा, तो 3.5 के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हमें अब गले की शेप देनी है, तो हम ऐसे करके गले की शेप देंगे। और ये हम चोली बना रहे हैं, ठीक है, तो पीछे से मेरी ये खुली रहेगी, तो हमें ऐसे गले की शेप दे करके और इसको पीछे बैक में खोलना है। तो हम ये ऐसे करके अब सीधे हमें ये लाइन खींच देनी है और ऐसे दोनों साइड हम इसको सिल देंगे। तो ये हम पिंक वाला कपड़ा बेस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी पे हमें सिलाई, जो मैं निशान लगा रही हूँ, इसी पे हमें सिलाई करनी है। तो हम अपने कपड़े को रखेंगे, सनील वाले कपड़े को, और उसके ऊपर ये हम रखेंगे। और अब हमें इसी, जो मैंने निशान लगाया है, इसी पे हमें सिलाई कर लेनी है। अभी देखिए, हम पहले सबसे पहले फ्रंट में करेंगे, तो जहाँ मेरा गले की शेप है वहाँ से हम सिलाई करेंगे। तो हमें पक्की सिलाई करनी है, ठीक है। तो हम ऐसे करके एक साइड से दूसरी साइड तक पूरा हमें ऐसे सिलना है। तो एक पार्ट पहले हम ऐसे सिलते हुए बैक तक जाएंगे, फिर यहीं से हमें दूसरा पार्ट भी सिलना है। तो ये देखिए, हम ऐसे करके सिल लेंगे। और ये देखिए, हम ऐसे करके ये पूरा ऐसे सिल लेंगे। तो ऐसे ही हमें ये दूसरी साइड भी सिलना है, जैसे मैं ऐसे सिल रही हूँ, ऐसे ही हमें जो मैंने निशान लगाया उसी पर हमें सिलाई कर लेनी है। अभी देखिए, मैंने सिलाई कर ली है, तो मेरा जो बीच का पार्ट है, तो हम इसको ऐसे करके पहले पीछे से कट करेंगे, तो मेरी सिलाई इधर उधर चली जाएगी। और अब हम जो मेरे बीच की गोलाई है, तिकोना, उसको हमें कट करना है। तो हम ऐसे करके गोलाई से इसको निकाल लेंगे, और जो कोने कोने हैं उनको हमें कट देना है, जैसे मेरा गला अच्छी तरह शेप आए। तो ये देखिए, ये इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो गले की शेप है वहाँ पे ऐसे हल्का सा कट लगाएंगे, जहाँ तक मेरी सिलाई है, सिलाई के आगे तक नहीं जाना है, हल्का सा कट देना है, जैसे मेरा अच्छी तरह से गला शेप में आ जाए। अब इसको हमें फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो हम ऐसे करके कपड़े को अब पीछे की तरफ ले जाके ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए, ऐसे करके फोल्ड हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम कपड़ा लिया है मैंने, और इसको हमें यहाँ पे फोल्ड करके लगाना है। तो हम ऐसे फोल्ड करके बैक में लगाएंगे, और बैक में लगाने के बाद, यूँ ऐसे लगाने के बाद, हम इसको आगे तरफ फोल्ड कर देंगे। और हम इसमें पाइपिंग लगा रहे हैं, तो ये देखिए, हम ऐसे करके ये फोल्ड करके ऐसे करके सिल लेंगे। अब ये देखिए, सिल लिया है। अब ऐसे करके फोल्ड करेंगे और ऐसे दोनों कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, कंप्लीट हो गई है। तो ये मेरी घेर तो कंप्लीट ही हो गई थी, ठीक है। और ये मैंने पटका बनाया है, तो पटका मैंने ये फ्लावर का और मोतियों से बनाया है, मैचिंग का सेम, ठीक है। और ये ब्लाउज देखिए, ब्लाउज भी मैंने भगवान जी का, ऊपर का चोली भी कंप्लीट कर दी है, ये देखिए, और इसको डेकोरेट कर दिया है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और इसको हमें ऐसे करके यहाँ फोल्ड करके, और मैंने ये इसमें डोरी भी लगा दी है, और ऐसे करके हम यहाँ बांध देंगे, तो आराम से बन जाएगी। और पहले ये पहना के फिर भगवान जी को घेर पहनाएंगे, तो बहुत सुंदर लगेगी। और आप बताइएगा आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट्स करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं। जय श्री कृष्णा।